माधवी जी, अगला सवाल मेरा यह है कि जैसे अभी आपने बताया कि आपने खुद को साइकोलॉजी के क्षेत्र में ऊंचा उठाया, क्या मैं मानूं कि ये एक अध्यात्म की ओर ले जाने वाली बात है? गुरविंदर जी, इसमें एक अलग अलग व्यक्तित्व अलग अलग तरीके से विषय से प्रभावित होते हैं। जैसे कि मंदिर तो हर व्यक्ति जाता है, गुरु जी के पास तो, अपने गुरुओं के पास तो हर व्यक्ति जाता है, विषय तो हर व्यक्ति, बहुत सारे लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने विषयों को लेता है। आपका व्यक्तित्व किस तरीके का है, उस व्यक्तित्व के आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या हैं, वो ये भी निर्धारित करते हैं कि किस विषय किसे आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आपका व्यक्तित्व इंटरनली एक अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है, उसके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उसके अंदर, तो डेफिनेटली मनोविज्ञान क्या, एक उम्र के पड़ाव के बाद हर विषय एक व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ ले जाता है। अब बात आती है कि जब अगर व्यक्ति एक सही और पॉजिटिव ट्रेट्स के साथ कोई व्यक्ति मनोविज्ञान विषय को पढ़ता है, तो डेफिनेटली वो एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, इस पूरी सृष्टि में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको, एनर्जीज को, आपके जितने भी इंटरनल एक बॉडी को कैसे लेना है, आपको बॉडी के इंटरनल होने वाले चेंजेस को कैसे समझना है, आपको बिहेवियर से को कैसे समझना है, और इस सारी चीज़ों में क्या ताकत एक अमुक व्यक्ति के अंदर है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है, उस सारी चीज़ों को जब समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक स्तर ऊंचा भी हो जाता है, आप उन सभी पॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। अब आप उसे अध्यात्म कह सकते हैं, आप उसे हमारे यूनिवर्स की ताकतें कह सकते हैं, अब आप इसको भगवान कह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं, फिलॉसफी कह सकते हैं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये आपका एक स्तर अवश्य ही उठा देता है, और अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं और जुड़ते हैं इसके साथ। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि जैसे किसी को, किसी का कोई फियर या कोई ऐसा कोई डर उसे किसी व्यवहार में अपीयर हो गया हो, परिलक्षित हो गया हो, क्या आप उसे याद करके बगैर किसी नाम के हम अगर आप बता जी पाएं हाँ, तो? मेरे पास बहुत सारे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है हमारे साइकेट्री में और DSM-5 के अकॉर्डिंग, और उसमें सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि वो ये कार्य नहीं कर पाएगा, या उसका कोई हिस्सा कार्य नहीं कर रहा, या एक मेरे पास एग्जाम्पल है जिसमें उसको ये लगता है कि वो शायद सिग्नेचर ही नहीं कर पाएगा, वो अपने कहीं पर सिग्नेचर करेगा तो उसकी राइटिंग बहुत खराब है, या वो सिग्नेचर कर ही नहीं सकता, उसे लगता है कि उसके हाथ से उसके ही अपने सिग्नेचर नहीं हो पाएंगे, और इन सिर्फ मात्र इस सोच से कि वो सिग्नेचर नहीं कर पाएगा, वो अपनी लाइफ के जब 20 साल गुजार दे और अपने आप को एक बंद कोठरी में बंद कर ले, अपने आप को एक कमरे में बंद कर ले, वो सिग्नेचर नहीं कर पाएगा इस सोच के साथ, वो अपने पेन को रखना बंद कर दे, वो लोगों से घबराना शुरू कर दे कि कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए कि वो कह दे अच्छा लिख कर बताओ, मैं तो सिग्नेचर क्या, मैं तो कुछ लिख भी नहीं पढ़ सकता। और जब ऐसा व्यवहार एक ऐसा व्यक्ति करने लगे जो अच्छी खासी शिक्षा ग्रहण किए हुए है, सिर्फ एक सोच की इतनी ताकत हो जाए कि वो अपने जीवन में सही और गलत का निर्णय ना ले पाए कि ये उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और वो इसे मान बैठे कि हाँ वो सिग्नेचर नहीं कर सकता, वो चेकबुक में एक साइन कैसे करके पैसे निकाले जाते हैं, वो किसी को कुछ भी लिख कर कैसे बताना है ये ना समझ पाए, और इसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं कि उसका स्ट्रेस, उसकी एंजाइटी और उसके अंदर पला हुआ कोई भी एक फियर डिसोसिएट हो गया उसके इस भाव विचार के साथ कि उसके हाथ से अच्छी राइटिंग नहीं बनती, वो सिग्नेचर अच्छे नहीं कर सकता, उसके हाथ में वो ताकत नहीं है कि वो सही सिग्नेचर कर पाए। जब ऐसा कोई केस अपने जीवन के 15-20 साल इतने गुमनामी और इतने अंधकार में काटता है, तो उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होती है वो वही व्यक्ति जानता है, और उसके बाद उस पर हमें कई साल लगते हैं काम करने में, और हमें
3-4 साल 5 साल लगातार जब हम उस पर काम करते हैं, लोग अक्सर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दो बार जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन कई बार साइकोथेरेपी का ये पार्ट होता है और साइको एनालिसिस और साइकोथेरेपी 5 साल, 7 साल, 10 साल और कई बार जीवन पर्यंत चलती है, क्योंकि आपके अंदर दमित एरिया, आपके जीवन के कुछ कठोर और कठिन वक्त, वो सब से बाहर निकलने में लंबा वक्त चाहिए होता है। तब उसके बाद जाकर साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी उसके ऊपर अप्लाई करके, तब बहुत समय बाद हम उसे ये एहसास करा पाते हैं कि प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं, आपके विचार में है, और उसको ग्रेडेड एक्सपोजर देते हैं और धीरे धीरे वो व्यक्ति अपनी उस सोच के साथ बाहर आता है और एक सामान्य जीवन जीता है, जिसमें उसको ये एहसास ही नहीं होता कि कभी जीवन में वो ये सोचा करता था कि वो सिग्नेचर नहीं कर सकता, वो कुछ लिख नहीं सकता। आजकल का एग्रेसिव बिहेवियर जैसे कि हम अक्सर नोट करते हैं, क्या ये ट्रेंड है या ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी में आकर कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए गुरविंदर जी, एग्रेसिव बिहेवियर होता नहीं है। एग्रेसिव बिहेवियर हमारे अंदर, सबके अंदर जैसे सारे इमोशंस हैं, वैसे ही एंगर भी है। एक नॉर्मल सा ये बेसिक नेचर है, इमोशन है, वो होता है, लेकिन ये घटता बढ़ता और एक सुनियोजित तरीके से रिएक्शन के रूप में निकलना, ये तब ज़्यादा होता है जब हम सीखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के अगर माता पिता उसको मारते हैं, या वो अपने माता पिता में से किसी को, आसपास परिवार के किसी व्यक्ति को गाली देना, मारना, किसी बात पे सामान फेंक देना, सामान तोड़ देना, जोर से तेज आवाज में बोलना, चिल्लाना, ये सब जब देखता है तो वो सब कॉन्शियस ब्रेन में एक व्यक्ति सीख रहा होता है। और ऐसे उदाहरण हम सबके आसपास काफ़ी मिल जाते हैं, परिवारों में काफ़ी मिल जाते हैं। हम कैसे लड़ते हैं, हम कैसे बहस करते हैं, हम सड़क पे क्या व्यवहार करते हैं, हम परिवार में अपने वो जो खास लोग हैं, आपने कई लोग देखे होंगे जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो अपने घरेलू, अपनी खास, अपने इंटरपर्सनल रिश्तों में गुस्से वाले होते हैं, वो गाली दे रहे होते हैं, वो गुस्सा कर रहे होते हैं, सामान तोड़ रहे होते हैं। तो ये जो व्यवहार, गुस्से का गुस्सा होना और गुस्से का रिएक्शन होना, रिएक्शन हम सीखते हैं कि हम अपने खास बच्चों, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को या अपने पति को कितना तेज बोल सकते हैं और कितना चिल्ला सकते हैं, ये हमने सीखा है, ये हमारा अपना नहीं था, ये हमने वातावरण से सीखा। तो यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हर एक व्यक्ति को मनन करना चाहिए कि जो भी उसका लर्न बिहेवियर है वो उसे बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। हाँ, एंगर सबके अंदर थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा है, बट रिएक्शन हम पूरे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें गुस्सा कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन हम रिएक्शन अपने कंट्रोल वे में अपने लोगों के सामने जाहिर करें, ये बिल्कुल सीखा जा सकता है, इसे परिवर्तित किया जा सकता है। और इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये, परिवार में ये कहकर कि इसको गुस्सा बहुत आता है, ये कहकर इसको सम्मति देना, इसको सहमति देना, ये अगर घर के परिवार के लोग करते हैं तो हम उसके गुस्से के रिएक्शन को बढ़ावा दे रहे होते हैं, क्योंकि गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है जो सबको आता है, लेकिन उसके रिएक्शन सब एक जैसा नहीं देते। जो अधिक दे रहा है वो उसे कंट्रोल करे, नियंत्रित करे, उपचार कराए, और गुस्से का इलाज नहीं करना, एंगर को मैनेज नहीं करना, रिएक्शंस का मैनेजमेंट सीखना है। लोग अक्सर एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस चला रहे होते हैं, एक्चुअल में एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस नहीं, रिएक्टिव मैनेजमेंट की क्लासेस चलानी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये एक चैप्टर शुरू हम लोगों ने, आपने अभी जैसे इंटरपर्सनल रिश्तों की बात करी, इसके ऊपर क्या आजकल का ट्रेंड चल रहा है, आप इसको किस रूप में देख रही हैं? जैसे हमारा समाज कई तरीके से रिएक्ट कर रहा है, अभी उसमें एंगर भी है, ब्रेकअप भी है, कई चीज़ें हैं, तो इंटरपर्सनल रिश्तों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अगर इंटरपर्सनल रिश्तों में हम स्पेसिफिक पति पत्नी के रिश्तों को लें, हम इंटरपर्सनल रिश्तों में समाज के साथ रिश्तों को लें, अपने एक किसी दोस्त के साथ हमारे रिश्तों को लें, या हम एक बच्चे के अपने माता पिता के साथ रिश्तों में लें, अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को लें, इंटरपर्सनल रिश्ते हर तरीके से अलग अलग स्वरूप में होते हैं। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि सबसे पहले व्यक्ति को अगर अपने कोई भी रिश्ते को अच्छा स्वस्थ करना है
तो उसको सबसे पहले उसे नियंत्रित करना छोड़ना होगा। अगर आप किसी भी रिश्ते को नियंत्रित कर रहे हैं, जो स्वच्छंदता है वही सुंदरता है, जो नियंत्रण है वो सबसे बड़ी कड़वी चीज है। आपको नियंत्रित कैसे करना है, कितना करना है या नहीं करना है, ये भी सीखना होगा। अगर आपको आता है तो आप इसको अप्लाई करें, अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो आप सीखें। अगर आप, बहुत सारे तरीके हैं सीखने के, जिसमें किताबें सबसे अच्छा तरीका होती हैं, किताबों को पढ़ें। और अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। तो इंटरपर्सनल रिश्तों में आप कोशिश करें कि स्पष्ट रहें, सच्चाई के साथ रहें, उनको नियंत्रित करने की, बदलने की आदत को छोड़ें और उसे सबसे पहले स्वीकार्यता पर जाएं। स्वीकार्यता आने पर आपको निश्चित ही परिवर्तन आ जाता है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि हर रिश्ते में, इंटरपर्सनल रिश्ते में, आप सबसे पहले साथी बने। आप चाहे माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, आप साथी बने। एक साथी दुख में सुख में बिना किसी उम्मीद के साथ अपने हर रिश्ते को बखूबी निभाता है। आप उसके अच्छे समय के, जब आपका बच्चा फेल हो जाए आप तब भी उसके साथी बने, जब आपका बच्चा कोई मेडल लाए तब भी आप उसके साथी बने, आपकी पत्नी कभी बीमार हो तब भी आप उसके साथी बने, जिस दिन वो बहुत अच्छा खाना बनाए उस दिन भी आप उसके साथी बने। आप सबसे पहले तो एक साथ ढूंढें, इसके साथ साथ साथी बने। और जो और भी इससे भी बड़ी बात है, आप एक गार्जियनशिप को स्वरूप प्रदान करें। एक बच्चा भी अपने माता पिता का गार्जियन हो सकता है, एक पति अपने पत्नी का गार्जियन हो सकता है, एक पत्नी अपनी पत्नी का पति का की गार्जियन हो सकती है, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त का गार्जियन हो सकता है। गार्जियनशिप मतलब कि कभी भी उसे गलत रास्ते में नहीं जाने देना। गार्जियनशिप मतलब कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आप साथी होने के साथ साथ उसका निर्वहन करते हैं। तो अगर आप सच्चे गार्जियन बनते हैं, सच्चे साथी बनते हैं, उसको नियंत्रित नहीं करते, तो आप सारे इंटरपर्सनल रिश्ते बहुत सुंदर तरीके से निभा सकते हैं।